हाय साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं परीक्षित पांडे एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, अभी तक हमने आपको दो क्लास में स्वर के भेद बता दिया, स्वर कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, स्वर को कितने भागों में बाँटा गया है उसके बारे में हमने आपको बता दिया। ये कक्षाएँ आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए अवेलेबल हैं और इसमें यूपीएसआई, यूपीपी और लेखपाल जैसी वैकेंसियों के लिए यह हिंदी ग्रामर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारे चैनल पर आप सब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथियों, हम ले चलते हैं आपको आज व्यंजन की तरफ। ये नोट्स मैंने अपने हाथों से बनाया है, ठीक है, ये कहीं ऐसे वैसे नहीं नोट है, बहुत मेहनत से बनाया गया है आपके लिए। तो ध्यान देना, यहाँ व्यंजन दे रखा है, ध्यान रखना साथियों। व्यंजन किसका क्या होता है, सबसे पहले हम व्यंजन पर चर्चा करेंगे। व्यंजन किसे कहते हैं, तो जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम व्यंजन कहते हैं। लेखन के आधार पर या वर्णमाला के व्यंजन, वर्णमाला के वर्णों की कुल संख्या कितनी है, 52 है। लेखन के आधार पर या वर्णमाला के व्यंजन, वर्णमाला के वर्णों की संख्या कुल कितनी है, 52 है, जिसमें 39 आपकी कौन हैं, आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो कह रहे हैं लेखन के आधार पर या वर्णमाला के व्यंजन के आधार पर वर्णों की कुल की संख्या कितनी है, 52 है। अब देखेंगे हमें कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार व्यंजनों की संख्या केवल 33 मानी गई है, जिन्हें कहते हैं उच्चारण के आधार पर व्यंजन 4 प्रकार के हैं, ठीक है, वो सभी आपको नीचे हम क्लियर करेंगे, ध्यान से समझते चलें। तो साथियों ध्यान दीजिए, जो आपका पहला आपका होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है, खूब ध्यान से समझिएगा। स्पर्श व्यंजन कहते किसे हैं, स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण कंठ ओष्ठ जिह्वा आदि के स्पर्श से होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या साथियों 25 है। पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, बताएंगे 25 है। पूछ सकता है कि स्पर्श व्यंजन किसकी सहायता से बोला जाता है, तो बताएंगे कंठ, ओंठ, जिह्वा आदि के स्पर्श से जो वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें हम कहते हैं क्या, स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या 25 है। क से म तक होता है, इसका मतलब क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ आड़ा, त थ द ध न और प फ ब भ म। तो देख रहे हैं साथियों, क से म तक होता है, इसे क च ट त प के नाम से जाना जाता है, इसे वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। वर्गीय व्यंजन पूछ रहे, वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं, तो बताएंगे स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन कहते हैं, या वर्गीय व्यंजन का एक दूसरा नाम क्या है, बताएंगे स्पर्श व्यंजन। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं इसमें। इसे कू चू टू तू पू के नाम से भी जाना जाता है, कू चू टू तू पू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक, इसे कहते हैं हम स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, 25 हमने आपको बता दिया, क से लेकर के म लास्ट तक। फिर आपका आगे बढ़ते हैं तो आपका आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन है, अंतस्थ व्यंजन कौन है, ध्यान दीजिएगा साथियों, अंतस्थ व्यंजन कह रहा है जिसका उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी भी भाग को पूर्णतः स्पर्श नहीं करती है, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ध्यान समझिए, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, जिसका उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी भी भाग को पूर्णतः स्पर्श नहीं करती है, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, कह रहा है जिसका उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी भी भाग को पूर्ण स्पर्श नहीं करती है, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है साथियों, 4 है। ये कितने हैं, 4। पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन हैं, आपको दे दिया अ ई उ य, तो आप वहाँ पर यह देखेंगे, इनकी संख्या 4 है, य र ल व, ये कितने हैं, 4। जो अर्ध स्वर होते हैं ये भी अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, जैसे क में हलंत लगा दें आधा वाला क हो गया, जैसे ख में हम लगा दें, है ना, अर्ध स्वर भी होते हैं अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत।
ठीक है साथियों, उसके बाद आपका आ जाता है उष्म व्यंजन। क्या आ जाता है? उष्म व्यंजन। तो उष्म व्यंजन क्या है, खूब ध्यान से समझिएगा। उष्म व्यंजन कह रहा है उष्म व्यंजन जिसके उच्चारण से मुख में रगड़ खाने से उष्मा निकलती है, उसमें हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं उष्म व्यंजन। क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन कहते हैं। उष्म व्यंजन की संख्या भी चार है, जो कि सीटी वाला स, खटकोण वाला स, सादा स और ह, ये सभी चार आपके आते हैं उष्म व्यंजन के अंतर्गत। तो कोई पूछ सकता है उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे चार है, स ख स ह। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, चार है, य र ल व। जो अर्ध स्वर होते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है साथियों, हम आगे की ओर बढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन की तरफ। अब ध्यान रखना साथियों, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत कौन आता है, असंयुक्त व्यंजन कहते किसे हैं, खूब ध्यान से पढ़ लीजिए। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कहते किसे हैं, तो कह रखा है जब दो या दो से अधिक स्वर, जब दो या दो से अधिक स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं। इनकी संख्या चार है, इनकी संख्या कितनी है, चार है, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना साथियों, कह रखा है जब दो या दो से अधिक स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं तो इसे कहते हैं हम संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या चार है, ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है आपका। छ से छत्री, त्री से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और स्र। तो छत्र किससे बनता है, हलंत वाले क और खटकोण सीटी वाले स से। छत्र का निर्माण क, हलंत वाला क और स से होता है। हलंत वाले क और स से किसका निर्माण होता है, छत्र का। त्रि से त्रिशूल का त में हलंत और र, त में हलंत और र से होता है आपका तर, त्र। ज्ञा का, ज्ञा का आप देख रहे हैं ज और इया, ज और इया, ज और इया से आपका होता है क्या, ज और इया से होता है ज्ञा। ज में हलंत लगा है, ज और इया से होता है ज्ञा। उसके बाद आपका आता है स्र। तो स, स्र जो होता है, सीटी वाला स में हलंत लगा है और र, स्र, स और र से होता है। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, चार है, छत्र ग्र्यास्र किससे मिलकर बना है, ये मैंने आपको यहाँ बता दिया है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, तो आपका आता है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर क्या होता है, ध्यान समझना। करा है दो अक्षर आपस में मिलते हैं जब एक असमान स्वर रहित वर्ण का स्वर सहित वर्ण से मेल होता है, तब वहाँ पर किसका निर्माण होता है, संयुक्ताक्षर का। मतलब एक आधा हो और एक पूरा हो, एक आधा हो और एक कितना हो, पूरा हो। कह रहा है दो अक्षर आपस में मिलते हैं जब एक असमान स्वर रहित वर्ण का स्वर सहित वर्ण से क्या होता है, मेल होता है। जैसे देख रहे हैं तुम्हारा, क्या है, तुम्हारा। एक देख रहे हैं आधा, एक है पूरा। म आधा है और ह क्या है, पूरा है। ये आपका क्या है, संयुक्ताक्षर है। ठीक है, जैसे न्यून, न देख रहे हैं आप आधा है या आपका पूरा है, या आपका क्या हो गया, न्यून। क्या हो गया, न्यून। ठीक है, न्यून, संयुक्ताक्षर समझ में आया साथियों। जब दो, एक असमान स्वर रहित और एक स्वर सहित वर्ण में मेल हो, तो स्वर सहित में ह है और स्वर रहित कौन है, आधा म है। ठीक, इसलिए स्वर सहित यह है जबकि स्वर रहित कौन है, न है। द्वित्व व्यंजन आपका आ जाता है आगे, कि द्वित्व व्यंजन क्या होता है, द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, खूब ध्यान से समझिएगा। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, देखो कह रहा है जब एक स्वर, जब एक स्वर रहित व्यंजन, जब एक स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है, तो उसे क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन कहते हैं। कैसा व्यंजन, द्वित्व व्यंजन। ध्यान रखना, एक आधा हो और एक पूरा हो, लेकिन दोनों व्यंजन एक जैसे हों। एक आधा हो अर्थात स्वर रहित हो, एक स्वर सहित। तो जो पूरा ल है वो स्वर सहित है, जो आधा ल है वो स्वर रहित है। तो साथियों आपका हो जाएगा द्वित्व व्यंजन। क्या हो जाएगा, द्वित्व व्यंजन, जब एक स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर सहित व्यंजन में मेल होता है। जैसे दिल्ली, तल्ला में देख रहे हैं सेम है, एक आधा एक पूरा। मिट्टी, एक आध देख रहे हैं आपका कितना है, एक आपका पूरा है और एक आपका आधा है। जैसे कुत्ता, एक आधा त है एक पूरा है। जैसे बिल्ली, एक आप देख रहे हैं पूरा है, ल आधा है और एक ल पूरा है। ऐसे कहते हैं हम कौन सा व्यंजन, द्वित्व व्यंजन कहते हैं। कौन सा व्यंजन साथियों, द्वित्व व्यंजन कहते हैं, द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन समझ गए होंगे। ठीक है, इसमें एक कह रखा है, इसमें दो अक्षर एक जैसे हों लेकिन एक पूरा हो और एक आधा हो। ध्यान समझ गए होंगे द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, द्वित्व व्यंजन आप लोग समझ गए होंगे साथियों। उसके बाद आपका आ जाता है
फिर आपका आ जाता है अयोगवाह। क्या कर रखा है? अयोगवाह। अयोगवाह किसे कहते हैं ध्यान से समझिएगा, जिनकी गणना ना तो स्वर हो ना तो व्यंजन में होती है उसे हम अयोगवाह कहते हैं। जिनकी गणना ना तो स्वर में होती है ना तो व्यंजन में होती है उसको अयोगवाह कहते हैं। ध्यान रखना साथियों, अयोगवाह किसे कहते हैं? जिनकी गणना ना तो स्वर में हो ना तो व्यंजन में उसे हम अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह कैसे होते हैं? अयोगवाह ध्यान रखना, अयोगवाह कैसे होते हैं समझिए। अयोगवाह के अंतर्गत कौन कौन आता है? एक विसर्ग होता है, एक अनुस्वार होता है। विसर्ग आप देख रहे हैं अह वाली मात्रा होती है, अनुस्वार जो होती है अंग वाली मात्रा। तो अंग और अह वाले जो दोनों मात्राएं होती हैं ये दोनों कहलाती हैं अयोगवाह। क्या कहलाती हैं? अयोगवाह। जैसे अंतः, जैसे अतः, जैसे जैसे आपका हो गया स्वतः, ये सभी क्या हैं? विसर्ग हैं। अनुस्वार क्या होता है? जैसे अंगूर, लंगूर, अंगद, अंगद, अंकुरण, ये सभी आपका साथियों हो जाता है अनुस्वार। क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं उत्क्षिप्त वर्ण। उत्क्षिप्त वर्ण क्या होता है ध्यान रखिएगा, इसे नोट करते चलिए। उत्क्षिप्त वर्ण क्या होता है? उत्क्षिप्त वर्ण के अंतर्गत कह रखा है कि जिसका उच्चारण झटके के साथ होता है उसे उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं। इनके अंतर्गत कौन आता है? ढ और ड़। ढ और ड़ आते हैं, इसे द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। ध्यान रखना, द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं? तो आप ध्यान रखना, जो ढ होता है और ड, ढ और ड, ढ और ड, ये आपका हो जाता है क्या? उत्क्षिप्त वर्ण। क्या होता है? उत्क्षिप्त वर्ण हो जाता है कौन? ढ और ड, इसे उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं। इसे द्विगुण व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे द्विगुण व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। और इसका एक और नाम होता है, इसे नव विकसित भी कहा जाता है। ध्यान रखना साथियों। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से हम मिलेंगे व्यंजन की अगली क्लास लेकर के। तो आप लोग बताइएगा वीडियो हमारा कैसे लगा, कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू टू माई आने वाले डियर टीचर्स।